नमस्कार दोस्तों, जब भी हम लोग कोई नया बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें हम लोगों को अलग अलग मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, जैसे सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड। तो उसमें अभी हम लोग जो मैसनरी का काम करते हैं, अब मैसनरी मतलब ये जुड़ाई जो भी दीवार करते हैं, अब दीवार में अलग अलग हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे ईट हो गया, इसमें क्ले ब्रिक है, रेड ब्रिक हो गया, उसके बाद फ्लैश ब्रिक हो गया, इसके बाद अभी कंक्रीट ब्लॉक्स भी है। तो कंक्रीट ब्लॉक्स भी आजकल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग तब देखेंगे कौन सा बेटर है। इसमें देखेंगे अब रेड ब्रिक या फिर क्ले ब्रिक या अभी एसी ब्लॉक आया है, और अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है द कंपेरिजन बिटवीन रेड ब्रिक और क्ले ब्रिक एंड एसी ब्लॉक्स। चलिए आज हम देखेंगे एसी ब्लॉक्स और रेड ब्रिक्स का कंपेरिजन कौन सा बेटर है। अभी सबसे पहले हम देखेंगे एसी ब्लॉक क्या है। एसी ब्लॉक जैसे आप साइड में इमेज पे या पिक्चर में देख रहे हैं, ये ब्लॉक्स बैठे हुए हैं, एक टाइप का एक लाइट वेट कॉन्क्रीट ब्लॉक है, मेनली ऑटोक्लेव्ड एरिएटेड कॉन्क्रीट ब्लॉक बोलते हैं उसको। ये बहुत ही लाइट वेट ब्लॉक है जो भी सुटेबल है बिल्डिंग के दीवार या बनने दीवार वगैरह कंस्ट्रक्शन करने के लिए। इसमें क्वार्ट्ज सैंड, कैल्साइन जिप्सम, लाइम, सीमेंट, वाटर, एल्यूमिनियम पाउडर, ये सब का मिक्सर रहता है। और ये मेनली इसमें ऑटोक्लेव, एक ऑटोक्लेव में उसमें प्रेशराइज करके हीट किया जाता है। ये एक फाइन एग्रीगेट सीमेंट और एक्सपेंशन एजेंट है, इसे बनाया जाता है। इसके साथ ही ये इसमें 80% ऑफ एयर रहता है, इसलिए लाइट वेट ही रहता है ज़्यादातर। और यहाँ ये एक टाइप का जो मिक्सचर जो भी है ये एक मोल्ड में बनाया जाता है यहाँ, और कट करके उसको जो भी रिक्वायरमेंट डायमेंशन है वो डायमेंशन के हिसाब से हम लोग उसको बना सकते हैं, रिक्वायर्ड साइज एंड शेप वो मोल्ड में डाल करके एक पर्टिकुलर जो भी डायमेंशन रहेगा उसके साइज से उसको बना सकते हैं। अभी हम स्पेसिफिकेशन देखेंगे। इसका साइज जनरली 600x200, 620x200 या फिर 620x240 mm, जो भी रिक्वायर्ड साइज है वो साइज वेरीज होता है, अलग अलग साइज में अवेलेबल है। थिकनेस इसका 50, 75, 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm, 225 mm, 230, 300, अलग अलग थिकनेस में भी अवेलेबल है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इसका ग्रेटर देन 3 है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब 3 से ज़्यादा न्यूटन पर मिलीमीटर स्ट्रेंथ है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है। और उसका ओवन ड्राई डेंसिटी 550-650 kg पर मीटर क्यूब। इसमें कुछ साइज दिए हुए हैं जस्ट रेफरेंस के लिए, ऐसे अलग अलग साइज में ये एसी ब्लॉक्स अवेलेबल है। अभी एसी ब्लॉक ये इको फ्रेंडली है, लाइट वेट होने की वजह से ये ग्रीन प्रोडक्ट है, इसलिए जहाँ गृह प्रोजेक्ट रहते हैं ग्रीन ये प्रोडक्ट का डिमांड रहता है वहाँ ये ऑटो एरिएटेड कॉन्क्रीट ब्लॉक यूज किए जाते हैं। एक सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल है क्योंकि इसका लाइट वेट है, लोड बेरिंग है और हाई इंसुलेटिंग और ड्यूरेबल ब्लॉक्स है। और ये ब्रिक्स मतलब रेड ब्रिक्स है उससे 3 गुना लाइटर है, मतलब 3 गुना ब्रिक के वेट से 3 गुना लाइटर है, इसमें पिक्चर में देख सकते हैं। अभी क्ले ब्रिक या रेड ब्रिक, ये रेड ब्रिक एक ट्रेडिशनल ब्रिक्स है, मेनली सॉइल या फिर क्ले से बनाया जाता है। एक किल में जो फायरिंग किल में उसको डाल करके उसको बनाया जाता है। ये बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल टाइप का बिल्डिंग मटेरियल है जो भी बहुत सालों से मतलब सारी दुनिया में यूज किया जाने वाला मटेरियल है। और ये अलग अलग एंशन पुराने इमारतों में, पुराने इस लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में भी सब जगह अलग अलग ये ब्रिक पाया जाता है। इसको मेनली वो एक ब्रिक किल में डाल के हीट करके बनाया जाता है, मेनली सॉइल या फिर क्ले पार्टिकल का ये बनता है। इस पे साइड में इधर स्केच में आप देख सकते हैं, इसका साइज है मेनली 230 mm by 115 mm by 75 mm, मतलब 9 इंच by 4.5 इंच by 3 इंच। इसके साथ ही स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ ब्रिक उसका साइज है 190 mm by 90 mm by 90 mm।
अभी हम देखेंगे कंपैरिजन। अभी इधर कुछ पैरामीटर दिया है, इधर एसी ब्लॉक है, इधर क्ले ब्रिक्स है। सबसे पहला साइज, अभी एसी ब्लॉक के साइज अलग अलग साइज में अवेलेबल है, जैसे 600 mm by 200 mm by 100, 600 mm by 200 mm by 150, 600 mm by 200 mm by 200 and 600 mm by 200 mm by 225 mm, ऐसे अलग अलग अदर साइज भी अवेलेबल है। जबकि क्ले ब्रिक के जनरली दो ही टाइप के साइज अवेलेबल है, जैसे स्टैंडर्ड है 190 by 90 by 90 और जो ट्रेडिशनल है वो 230 mm by 115 mm by 75 mm। अभी कंपोजिशन में एसी ब्लॉक्स जो भी है, क्वार्ट्ज सैंड, कैल्साइन जिप्सम, लाइम, सीमेंट, वाटर, एल्यूमिनियम पाउडर, ये सबका ही कंपोजिशन इसमें है। जबकि क्ले ब्रिक्स में ये पूरी तरह से क्ले सॉइल, टेबल मोल्डेड और बर्ट इन क्लीन किल्न्स में उसको जला करके बनाया जाता है। मेनली जो क्ले या फिर सॉइल है उसी का ज्यादातर इस्तेमाल होता है। अभी नेक्स्ट है जॉइंट। एसी ब्लॉक साइज का साइज बड़ा होने की वजह से और ये फ्लैट होने की वजह से ज्यादा इसके मशीनरी में या फिर जॉइंट जो भी बांध काम रहे दीवार रहेगा उसमें जॉइंट्स बहुत ही कम लगते हैं। जैसे 10 फीट बाय 10 फीट मतलब 100 square feet एरिया है तो उसको 50 ब्लॉक्स लगते हैं और 162 joints लगते हैं, जबकि सीमेंट रिक्वायर्ड है अराउंड 1 bag। जबकि क्ले ब्रिक्स में इधर ब्रिक्स का साइज इरेगुलर होने की वजह से वहाँ नंबर ऑफ जॉइंट्स ज्यादा रहते हैं और नंबर ऑफ ब्रिक्स भी ज्यादा रहते हैं। जैसे कि 100 square feet एरिया है 10 feet by 10 feet तो 550 ब्रिक्स लगते हैं और 1656 joints लगते हैं और सीमेंट रिक्वायरमेंट भी देयर अबाउट 2 bags लगते हैं। अभी डेंसिटी, अभी ये लाइट वेट जो एसी ब्लॉक है ये लाइट होने की वजह से पानी भी जब लोग हम डालते हैं तो ये तैरता है, डूबता नहीं, जबकि ब्रिक्स जो है वो पानी में डालने के बाद डूब जाता है उसका हीवी वेट होने की वजह से। कॉस्ट ऑफ मॉर्टर, 100 square feet एसी ब्लॉक के लिए ₹650 लगता है, जबकि 100 square feet क्ले ब्रिक के लिए ₹1350 का मॉर्टर लगता है, जैसे सीमेंट सैंड, सीमेंट मॉर्टर बोलते हैं हम लोग। कॉस्ट ऑफ लेबर, फॉर 100 square feet लेबर कॉस्ट इज 400 रुपए लगता है एसी ब्लॉक के लिए, जबकि क्ले ब्रिक के लिए 100 square feet के लिए लेबर कॉस्ट ₹1400 लगता है। अभी स्ट्रक्चरल कॉस्ट, इसमें स्ट्रक्चरल कॉस्ट इसमें स्टील सेविंग अप टू 15% होता है, क्योंकि ये एक लाइट वेट है इसलिए इसका डेड लोड कम होता है, जबकि क्ले ब्रिक्स में इसमें कोई सेविंग नहीं होता। भी ब्रेकेज, इसमें एसी ब्लॉक में ब्रेकेज 5% से भी नीचे होता है इवन ट्रांसपोर्टेशन या कंस्ट्रक्शन दोनों में, और क्ले ब्रिक्स का एवरेज 10 से 12% ब्रेकेज होता है ट्रांसपोर्टेशन में, कंस्ट्रक्शन में। अभी कंस्ट्रक्शन स्पीड की बात करेंगे, ये एसी ब्लॉक कंस्ट्रक्शन स्पीड कंपेयर टू क्ले ब्रिक्स ज्यादा है, क्योंकि इसका साइज भी बड़ा है, लाइट वेट है और इजीली कट कर सकते हैं किसी भी शेप में किसी भी साइज में, जबकि क्ले ब्रिक्स का कंस्ट्रक्शन स्पीड कंपैरेटिवली एसी ब्लॉक से स्लो है। अभी क्वालिटी, एसी ब्लॉक का क्वालिटी यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट है, जबकि क्ले ब्रिक्स का क्वालिटी वेरी होता है। अभी एनर्जी सेविंग, एसी ब्लॉक जब हम लोग यूज करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 30% हम लोग रिडक्शन करते एयर कंडीशन लोड का, इसमें एनर्जी सेव होता है, जबकि क्ले ब्रिक्स में ऐसा कुछ सेविंग नहीं है। ड्राई डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी ऑफ फर्स्ट क्लास एसी ब्लॉक है 650 से 750 केजी प्रेम क्यूब, सेकंड क्लास के लिए है 750 से 850 केजी प्रेम क्यूब और थर्ड क्लास के लिए है 850 से 1000 केजी प्रेम क्यूब, जबकि ड्राई ब्रिक ड्राई डेंसिटी ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए है 1600 से 1700 केजी प्रेम क्यूब और सेकंड क्लास के लिए 1721 से 1820 केजी प्रेम क्यूब और थर्ड क्लास रेड ब्रिक के लिए 1821 से 1920 केजी पर मीटर क्यूब। अभी कटिंग, एसी ब्लॉक इजीली कट कर सकते हैं
जबकि वायरिंग कंड्यूट के लिए या प्लम्बिंग वर्क के लिए, जब हम लोग इंटरनल बाथरूम वगैरह का काम रहता है तो हम लोगों को वो प्लम्बिंग का पाइप फिक्स करना है या फिर इलेक्ट्रिकल कंड्यूट वायरिंग के लिए करना है, तो वहाँ हम लोग एसी ब्लॉक इजीली कट करके वहाँ ये अरेंजमेंट कर सकते हैं। जबकि क्ले ब्रिक में वैसा करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है और कट करना मुश्किल है और वो दीवार को भी डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिटिंग और चेसिंग, इसमें कि एसी ब्लॉक में ऑल काइंड ऑफ फिटिंग और चेसिंग पॉसिबल है, जबकि क्ले ब्रिक्स में वे भी ऑल काइंड ऑफ फिटिंग एंड चेसिंग पॉसिबल है, बट थोड़ा उसको ज़्यादा टाइम लगता है। कारपेट एरिया एसी ब्लॉक जहाँ हम लोग यूज करते हैं तो ज़्यादा हम लोग कारपेट एरिया पा सकते हैं ड्यू टू लेस थिकनेस ऑफ वॉलिंग मटेरियल, जबकि क्ले ब्रिक्स में वो कारपेट एरिया कंपेरेटिवली लो होता है एसी ब्लॉक के कंपेरेटिवली। अभी अवेलेबिलिटी, एसी ब्लॉक कभी भी अवेलेबल हो सकते हैं एनी टाइम, जबकि क्ले ब्रिक्स है ये मानसून में इसका शॉर्टेज रहता है। वेट डेंसिटी ऑफ फर्स्ट क्लास ब्लॉक इज अबाउट 700 to 800, 700 से 800 केजी पर एमक्यूब है, जबकि क्ले ब्रिक्स का रेड ब्रिक्स का 1900 से 2000 केजी पर मीटर क्यूब है। अभी वेट, एसी ब्लॉक का अप्रोक्सीमेटली वेट है 4 केजी पर नंबर, जबकि क्ले ब्रिक का 2.5 केजी पर नंबर आता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एसी ब्लॉक का 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है, जबकि क्ले ब्रिक्स का है 3.5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अभी वाटर एब्सॉर्प्शन, एसी ब्लॉक में वाटर एब्सॉर्प्शन 10% से भी कम है, जबकि क्ले ब्रिक्स में वाटर एब्सॉर्प्शन ऑलमोस्ट 20% या मोर है। फायर रेजिस्टेंट, एसी ब्लॉक का फायर रेजिस्टेंट फॉर 4 आवर्स है, जबकि क्ले ब्रिक्स फायर रेजिस्टेंट फॉर 2 आवर्स है। अभी प्रेफरेंस, एसी ब्लॉक मेनली हाई राइज बिल्डिंग के लिए प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसका लाइट होने की वजह से डेड लोड कम रहता है, जबकि क्ले ब्रिक्स दोनों के लिए, लोड बेरिंग के लिए भी, हाई राइज बिल्डिंग के लिए भी प्रेफर किया जाता है। अभी एसी ब्लॉक एक एनवायरमेंट फ्रेंडली और ग्रीन प्रोडक्ट है, जबकि क्ले ब्रिक्स एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है और ग्रीन प्रोडक्ट भी नहीं है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, एसी ब्लॉक लेस डेड लोड की वजह से या लाइट होने की वजह से अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, जबकि क्ले ब्रिक्स ये इसमें डेड लोड ज्यादा है और ये कंपेरेटिवली एसी ब्लॉक के कम स्टेबल है और कम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, लेस अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंपेयर टू एसी ब्लॉक। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए और साइड वाला बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि मेरे आने वाले टॉपिक पर, नए टॉपिक आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद।